नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राकृतिक पेड़ नीम के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जो पशुओं के लिए बहुत ही कारगर और इंसानों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। नीम के जो ये बरसात के मौसम में जो फल आते हैं, ये फल को आप तोड़ लीजिए आधा केजी, और आधा केजी सरसों ऑयल में इसको बॉयल करके, और बरसात में क्या करें कि पशुओं के खुर में इस तेल को लगाइए और थन में लगाइए, तो इससे जो होने वाला जो रोग है, खास करके थनैला और जो खुरपका मुँहपका, वो नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके आगे जो फायदे हैं, वो फायदे ऐसे हैं जो बहुत ही कारगर है, प्राकृतिक है। और इसमें जो है आपको क्या करना है कि जो नीम के पत्ते को खिलाने से गाय के अंदर जितने भी पेट में कीड़े होते हैं, क्या होता है, हम बरसात में घास काट के ले आते हैं और घास के साथ बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, और वो गाय के पेट में बहुत हजारों कीड़ों को उत्पन्न कर देते हैं, और इंटरनल पैरासाइट्स बोलते हैं, उसको मारने के लिए भी सप्ताह में सुबह और शाम 2 दिन कम से कम नीम के पत्ते 2-2 मुट्ठी खिलाएं, जिससे कि इंटरनल पैरासाइट्स ख़त्म हो जाएंगे। और चर्म रोग, कोई भी चर्म रोग जो पशु को होता है, वो चर्म रोग नीम के पत्ते के खिलाने से और इसके आयल को लगाने से ही ख़त्म हो जाएगा। और बाहरी रोग जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स बोलते हैं, जैसे जू, चिचड़ी, ये सब लग जाती है पशु को, उसमें भी किसान को या डेयरी फार्मर को बहुत ही परेशानी होता है, तो उस समय भी क्या करें कि नीम के जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स के लिए बीज को या पत्ते को कूट लें, और नहीं तो क्या करें कि उसको पानी में बॉयल कर लें, कम से कम 2 केजी नीम के पत्ते ले लें और उसको कम से कम 3-4 लीटर पानी में बॉयल करें, और कम से कम उसका आधा पानी जब बच जाता है तो उस पानी को छान लें, और उस पानी को बाकेट में ले लीजिए, और जब जानवर को या गाय भैंस को धुलाई करते हैं तो धुलाई करते समय उस पत्ते जो नीम के पत्ते का आपने पानी निकाला था, उस बाकेट वाली पानी में मिक्स करके और पशु को स्नान या नहलाएं, जिससे कि एक्सटर्नल पैरासाइट्स, जितने जो जू हैं, चिचड़ी हैं, चमोकन हैं, या जो भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, वो सारे मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, और इससे क्या होता है कि दूध की गुणवत्ता, जो क्या होता है आज के डेट में बहुत सारे खेतों में आजकल खाद का और उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है, और साथ साथ जो कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जिससे कि वही पेड़ या जो भी हम लोग घास उगाते हैं वो जानवर को खिला देते हैं, वो जो खाद का थोड़ा जो इफ़ेक्ट है उस पौधे में आ जाता है, और वो गाय के अंदर रहती है, जो गाय के द्वारा दूध में परिवर्तित होकर हमारे तक पहुंच जाता है, और हम लोग भी उसको पीते हैं, तो उतनी दूध की गुणवत्ता नहीं रह पाती जितना होना चाहिए नेचुरली। तो अगर हम जैसे गिलोय है और नीम है और आंवला है, इनके पत्ते का इस्तेमाल करेंगे सप्ताह में एक एक दिन बीच करके 2-2 दिनों पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मिल्क का उत्पादन बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म।